हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। सो अभी तक हम गुडविल चैप्टर में दो मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों ही मेथड्स के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट समझा है। अब इस चैप्टर में हमारा बस एक टॉपिक बचा है और वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे हम इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है कि हम जो गुडविल है ना वो दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। एक एक करके डिटेल में दोनों को समझेंगे, सब समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से और फर्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, सो देखो ये तो है आपका बिजनेस, ठीक है, और ये मार्केट में जो बाकी और दुकानें होती है ना, जो बाकी और बिजनेसेस होते हैं, ये वो है, सेम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जो आप सेल कर रहे हो वो भी ये भी वही सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट अर्न करते हो, मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 50,000। तो आप ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज़ अर्न कर रहे हो, ठीक है जी। और ये जो बाकी बिजनेसेस हैं जो आपके मार्केट में सेम ही चीज़ें बेचते हैं, सेम ही प्रोडक्ट बेचते हैं, ये ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न अर्न कर लेते हैं। 10% रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जितनी कैपिटल लगाते हैं उसका 10% ये कमा लेते हैं, ठीक है। अब बात ये है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर इन सबको भी 50,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो इनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये कैपिटल पे 10% रिटर्न अर्न करते हैं तो इनको 50,000 रुपीस का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। बहुत से बच्चे समझ चुके होंगे कि सर 5 लाख रुपए, 5 लाख का 10% 50,000, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, 5 लाख रुपीस। बहुत सिंपल है, देखो 5 लाख की इनको क्या लगानी पड़ेगी कैपिटल, इनका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, राइट। तो ये 50,000 रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, हाँ है ना। अब बात यह है कि आपने जो कैपिटल लगा रखी है, जो आपने कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है सिर्फ 4 लाख, आपने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है वो है 4 लाख रुपीस, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इतना 50,000 का ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको तो सिर्फ 4 लाख रुपीस लगाने पड़े, बाकी बिजनेसेस को लगाने पड़ रहे हैं 5 लाख रुपीस। ये जो एक्सेस 1 लाख रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, एक्सेस 1 लाख रुपीज जो इनको लगाने पड़ रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूं आपको जो 1 लाख रुपए कम लगाने पड़े, क्यों लगाने पड़े आपको 1 लाख रुपए कम क्यों लगाने पड़े। सिंपल सी बात है सर, ये क्यों लगाने पड़े, क्योंकि गुडविल की वजह से, हाँ है ना। सिंपल सी बात है, अगर जितना प्रॉफिट आप अभी अर्न कर रहे हो उतना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए बाकी बिजनेस को 5 लाख लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन आपने सिर्फ 4 लाख लगाए हैं, तो 1 लाख जो आपने कम लगाया है वो किसकी वजह से लगाया है, गुडविल की वजह से लगाया। बात समझ में आई। तो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है ना वो बिल्कुल यही है, मैंने आपको एक स्टोरी की फॉर्म में समझा दिया, आपको समझ में आ गया, इतना ही आसान है। तो फटाफट से ऐसा करो, हेडिंग डाल दो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी बना चुके हो, पीछे आंसर्स आपने ही दिए थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। कि मैंने आपको क्या बोला कि जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, मतलब 50,000 अर्न करने के लिए नॉर्मली जो बिजनेसेस होते हैं, जो बाकी बिजनेसेस हैं, उनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ती है, 5 लाख रुपीज। कैसे निकाला आपने, देखो आपने निकाला कैसे, फॉर्मूला आपने खुद बनाया, आपने निकाला 50,000 × 100 / नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपने ऐसे ही निकाला है। क्यों, देखो अगर मैं 5 लाख का 10% करता हूँ तभी तो मेरा कितना आएगा, 5 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तब जाके मेरा 50,000 आएगा। अब मैंने सिचुएशन थोड़ी सी ऑपोजिट कर दी कि 50,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, उल्टा करोगे, आप 50,000 × 100 / 10 करोगे तभी 5 लाख रुपीज़ आएगा, राइट। मैंने वही लिखा है 50,000 × 100 / नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। बहुत इजी है कि जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो
ठीक है, उतना ही प्रॉफिट अर्न अगर बाकी बिजनेसेस भी करना चाहें, ठीक है, तो उनको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आ गया आपका 5 लाख रुपीज। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो क्या होगा कि गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, समझ चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय NRR। ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे उतनी कैपिटल जितनी आपको लगानी पड़ी। देखो ये क्या है, ये वो कैपिटल है जो बाकी बिजनेसेस को लगानी पड़ेगी अगर वो उतना ही प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं जितना आप कर रहे हो। जैसे 5 लाख रुपीज आया, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, आपको कितना कैपिटल लगाना पड़ा 50,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए 4 लाख रुपीज, तो जो 1 लाख रुपीज एक्सेस आ रहा है वो आपकी गुडविल है। इसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या आपके बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पे एक दूसरे नाम से बताया गया है जो कि है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स आए या कैपिटल एम्प्लॉयड आए, एक ही मीनिंग है, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट होगा आप मल्टीप्लाई करोगे 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सिंपल, बात समझ में आई। फटाफट से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है कि अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो बेसिकली आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 10 लाख एंड 1,80,000 की लायबिलिटी है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, राइट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 लाख जो आप अर्न कर रहे हो, 1 लाख रुपीज बाकी बिजनेस को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, नॉर्मली वो कितना अर्न करते हैं, नॉर्मली वो अर्न करते हैं 10%। तो 1 लाख रुपीज अर्न करने के लिए उनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी, सिंपली 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाएंगे, उस पर 10% रिटर्न अर्न करेंगे, तब जाके उनका प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख रुपए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपने कितनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे, एसेट्स आपको गिवन है 10 लाख के, लायबिलिटीज गिवन है 1,80,000 की, 10 लाख माइनस 1,80,000, 8,20,000। बाकी बिजनेस को 1 लाख रुपीज अर्न करने के लिए लगाने पड़ेंगे 10 लाख रुपए, आपने लगाए हैं सिर्फ 8,20,000 रुपए, जो 1,80,000, 1,80,000 का जो डिफरेंस है आपकी गुडविल है। सिंपल, तो देखो कैसे करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या फॉर्मूला था इसका, सिंपली जितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, मतलब आपका जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना गिवन है, 1 लाख रुपीज, बाकी बिजनेस को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 10, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ₹10 लाख, ये आ गई कैपिटल जो बाकी बिजनेसेस को लगानी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है अपने ही बिजनेस की कैपिटल, अपने बिजनेस में आपने कितनी कैपिटल लगाई है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स आपको गिवन है 10 लाख रुपीज़ के, लायबिलिटीज आपको गिवन है 1,80,000 की, तो ये कितना आ जाएगा, 8,20,000। बहुत बढ़िया। अब सिंपली हम गुडविल निकाल लेंगे कि गुडविल आपकी आ जाएगी जितना कैपिटल बाकी बिजनेस को लगाना पड़ेगा 10 लाख, जितना आपने लगाया 8,20,000, जो डिफरेंस है वो क्या है, गुडविल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी कैपिटलाइज कर रहे हो। 1,80,000 आपकी टोटल गुडविल है, राइट। ये निकाल लो आप गुडविल, कितना आएगा, 10 लाख माइनस 8,20,000, ₹1,80,000। बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा था, नेक्स्ट मेथड हमारा था सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये तो बहुत ही आसान है, देखो इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था। सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब था कि जो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो माइनस जो बाकी नॉर्मल बिजनेसेस अर्न कर रहे हो, तो जितना एक्सेस प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो वो होता है आपका सुपर प्रॉफिट। यस और नो? ठीक है, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लूँ कि आप मान लो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो और बाकी बिजनेसेस ऑन एन एवरेज जो अर्न कर रहे हैं वो है 80,000, तो क्या होगा, ये 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। यस और नो? 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि बाकी जो बिजनेसेस हैं वो ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न अर्न करते हैं अपनी कैपिटल पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो एक्सेस प्रॉफिट आपका बिजनेस अर्न कर रहा है, तो 20,000 रुपये जो आप अर्न कर रहे हो एक्सेस, अगर वो वही 20,000 रुपये और अर्न करना चाहें 10% के रेट से, तो कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? आप बोलोगे सर 2 लाख रुपये, 2 लाख का 10% 20,000, तो ये 2 लाख रुपये उनको और लगाने पड़ेंगे। क्या आपको लगाने पड़ रहे हैं? नहीं, आप तो ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो, मतलब एक्सेस 20,000 अर्न कर रहे हो, हाँ या ना? तो उनको जो 2 लाख रुपीज़ अर्न करने पड़ेंगे, जो आपको नहीं करने पड़ रहे, ये 2 लाख रुपीज़ किसकी वजह से बच रहे हैं आपके? गुडविल की वजह से। सिंपल है, राइट? तो अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखें तो इतना सिंपल है ना कि आप हंसने लग जाओगे। कैसे निकालेंगे? जो आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख चुके हो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपने यही तो किया है। कैसे किया? देखो, आपने क्या किया, 20,000 आप सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, आपने 20,000 से 2 लाख कैसे निकाले हैं? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। 2 लाख का 10% अगर 20,000 है, तो 20,000 अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए होगी? ऐसे ही तो निकालोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे। ये आया था आपका 2 लाख, तो मैंने भी तो वही लिखा है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय जो भी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, आपकी गुडविल आ जाएगी। बात समझ भाई? अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, ओके, सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। राजन एंड रजनी, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर, राजन का 3 लाख का कैपिटल गिवन है, रजनी का 2 लाख का। ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। ठीक है, तो बेसिकली आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, उसके लिए हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी है मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी है? अब आपको दे रखा है 3 लाख प्लस 2 लाख, दोनों की कैपिटल गिवन है, राइट? तो हम लायबिलिटी साइड वाले अप्रोच से निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल ऑफ कैपिटल 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख की आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% आपको रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो ये आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज। नॉर्मली जो बाकी बिजनेसेस अर्न करते हैं प्रॉफिट वो 1 लाख रुपीज है, लेकिन आप जो प्रॉफिट अर्न करते हो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कितना गिवन है? 1,50,000। बहुत ही बढ़िया। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? सर बहुत आसान है ये तो। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 1,50,000 माइनस 1,50,000। तो आप एक्चुअली में 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक्सेस अर्न कर रहे हो ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। येस और नो? बिल्कुल। अब गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? गुडविल कह रहा है कि भाई यही 50,000 अगर बाकी लोग भी अर्न करना चाहें तो उनको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? बताओ ज़रा, कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? क्या फॉर्मूला बताया है? गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। 50,000 का एक्सेस प्रॉफिट अगर आपको अर्न करना है 20% के रेट से, तो बताओ ज़रा कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा आपको?
अगर आपको 50,000 अर्न करना है, 20% उस पर रिटर्न है, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? देखो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, येस और नो? और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2,50,000. 2,50,000 आपकी आ गई गुडविल. सो यही था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, राइट? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला जो एक्चुअली में हम बना रहे हैं वो बना कैसे, लॉजिक है उसके पीछे. यस और नो? हमें फॉर्मूले नहीं याद करने, हमें रट्टे थोड़ी मारने हैं, हमें समझना है, राइट? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.